हाय, मैं हूं मोहित पुंजाल फ्रॉम डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट्स डॉट कॉम। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक न्यू अपकमिंग आईपीओ के बारे में बताऊंगा। लास्ट कुछ टाइम से मैं आपको आईपीओ ही बता रहा हूं, बट इस टाइम आईपीओ आ रहे हैं। क्या इस न्यू आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले तो ये जानिए कौन सा आईपीओ है। इस आईपीओ का नाम है CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, 85 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंशन है, आप देख सकते हैं। CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड, ये क्या आईपीओ है? क्या इस कंपनी का नाम सुना है? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें कि ना करें। CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ शिप बोर्ड इंडस्ट्रीज। ये मैन्युफैक्चर करते हैं क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स एंड टेस्ट फैसिलिटीज फॉर सबमरीन्स एंड सरफेस शिप्स। फॉर होम? फॉर द इंडियन नेवी। इसके साथ साथ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड सर्विस करती है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स फॉर इंडस्ट्रीज लाइक न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी। न्यूक्लियर एंड क्लीन, इसका मतलब ये एक प्रॉमिसिंग सेक्टर पे फोकस करती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, दे आर इन टू द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर मोर देन 20 ईयर्स। आपको मैं ले चलता हूँ CFF फ्लूइड कंट्रोल कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी विद द पर्पस ऑफ हैविंग अ डेडिकेटेड न्यू एंटिटी फोकस्ड ऑन मीटिंग द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन नेवी। ये कंपनी बना ही तभी गई थी। कंपनी की जो फैसिलिटीज है, दे आर सिचुएटेड एट खोपोली। द फैसिलिटी इज स्प्रेड अक्रॉस 6,000 स्क्वेयर मीटर एंड हैज गॉट ऑल द स्टेट ऑफ द आर्ट machinery and testing facilities which are required at these times. They are into the business of fluid control system, distributor and air panel weapons and control system, steering gears, popular system, high pressure air systems, hydraulic systems, etc. बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी अच्छी लिस्ट है तो कंपनी के स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होंगे। कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है There is a visible growth through robust order book position. इनकी जो बुक है, ऑर्डर बुक है, वो बहुत बड़ी है। एंड इसके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो कौन है? इंडियन नेवी। इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी दिख रही है। एंड इनका सिर्फ एक ही जगह फोकस है, वो है फोकस ऑन नेवी डिफेंस सेक्टर। एंड नेवी इज ग्रोइंग इन इंडिया। इसलिए इस कंपनी का क्या लगता है, उससे पहले हम ये देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल क्या है। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 31 मई 2020 को था 1.34 करोड़, जो कि 31 मई 2022 को हो गया 7.79 करोड़। अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नजर डालें तो इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस 31 मई 2020 को था 6 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 14 करोड़ एज ऑन 31 मई 2022। बोरोइंग्स पे नजर डालें तो इनकी बोरोइंग 2.32 करोड़, जो कि बढ़ के होगी 11 करोड़ एज ऑन 31 मई 2022। और अभी हम देखें 30 सितंबर 2022 को 19.22 CR। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखें तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। अगर हम रेवेन्यूज पर फोकस करें तो रेवेन्यूज हैव आल्सो ग्रोन कंसिडरेबली। सो हर जगह कंपनी के फाइनेंशियल्स प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। अब ये जाने कि ये जो पैसा रेज कर रहे हैं, इस पैसा रेज करने का लॉजिक क्या है। They want to fund the working capital requirement of the company. That is their biggest logic. They want to repay certain loans. उसके साथ साथ they want to purchase machineries and equipments. And वो एक technology acquire करना चाहते हैं, which is called as TWA, Towered Wired Antenna. ये एक कोई special technology है जो acquire करना चाहते हैं, which cost. And that's the reason they want to Make this company listed on the stock exchange. हमने इतनी promoters की तारीफ की तो company के promoters कौन है? Companies के promoters है Mr. Sunil Menon and Mr. Gautam Mukherjee. So ये एक छोटा video बना रहा हूँ मैं, छोटे analysis बना रहा हूँ, पर इस analysis को आपको देख के क्या लगता है, क्या इस IPO में invest करना चाहिए? जी हाँ, इस IPO में आपको invest करना चाहिए, because ये एक unique company है। इस unique company में अगर आपको 800 shares का minimum criteria है तो आपको ये स्टॉक जरूर अप्लाई करना चाहिए, ये आईपीओ आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। यूनिक बिजनेसेस हमेशा से ग्रो करते हैं। लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं, नहीं पता, पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।
ये सब एनालिसिस मैं आपको थ्रू माय सोशल मीडिया में आपको देता रहता हूँ। इन सोशल मीडिया के थ्रू मैं आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, SIPs एंड IPOs इनके बारे में बताता रहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और डीमैट नहीं खोला है तो IPO कैसे अप्लाई करोगे? नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के।